तो गाइस अभी एक धमाकेदार मैच खत्म हो चुका है, दिल्ली वर्सेस जीटी का। यार कमाल का मैच था, और जिस तरीके के साथ दिल्ली ने फाइट की है, आज पहली बार ऐसा लगा है कि यार दिल्ली जीतना चाहती थी। और अब जो पॉइंट टेबल है उसमें भी दिल्ली को काफी, तो दिल्ली छठे नंबर पर आ चुका है और 9 में से 4 मैच उसने जीते हैं। यार नेट रन रेट थोड़ा माइनस में चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। तो ये पेबैक सीरीज का जो वीक चल रहा है उस पर जीटी ने आज पहली विन अपनी जीत ली है, तो बहुत बढ़िया मैच था। लेकिन जो गेम के जो मैच सेविंग मोमेंट्स थे, कभी देखो दोनों तरफ से मैच मेरे अकॉर्डिंग इक्वल रहा है। ऐसा नहीं कि किसी एक साइड ने डोमिनेट किया है और एक साइड बहुत वीक पड़ गई हो या एक तरफा मैच हो गया हो। दोनों साइड से खूब पिटाई हुई है, धुनाई हुई है बॉलरों की, लेकिन जो गेम सेविंग मोमेंट था वो था ये, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये भाई स्टब्स ने ये जो बाउंड्री रोकी है ना, ये था लास्ट में डिफरेंस जीत और हार के बीच का। नहीं तो यार दिल्ली तो मैच मेरे अकॉर्डिंग हार गई थी लास्ट टाइम पर। तो ये अगर शॉट नहीं रुका होता, ये छक्का जो था, तो यहाँ पर दिल्ली आज मैच फिर से हार जाती और उसी के साथ दिल्ली फिर बाहर हो जाती। लेकिन वेल डन स्टब्स, बहुत बढ़िया फील्डिंग। इस बंदे ने 9 बॉल 7 बॉल में 27 रन और एक धमाकेदार कैच रोका है। तो ना ये होते हैं एफर्ट्स इन द फील्ड। जरूरी नहीं कि आपको मैन ऑफ द मैच मिले, लेकिन आप किस तरीके से टीम की विन में अपना इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं वो जरूरी रहता है। तो आपको अपने आप को कम नहीं समझना है किसी भी मैच में। आपको ये सोचना है कि यार मैं किसी भी फील्ड में एज ए बैट्समैन, एज ए फील्डर कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। वो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि यार जो घटिया लेवल की फील्डिंग देखने को मिली आज दिल्ली की तरफ से, तो ऐसी फील्डिंग की उम्मीद तो मुझे नहीं थी। लेकिन वेल डन, बहुत अच्छी फील्डिंग थी, क्योंकि ऐसे ऐसे कैच छोड़े हैं, इतनी इजी कैच। यार बॉल हाथ में आई इनकी, अक्षर पटेल ने पहला का छोड़ा था, इतना आसान कैच। देखो वैसे तो कोई भी कैच जब तक पकड़ा ना जाए तब तक आसान नहीं रहता, लेकिन वो कैच काफी आसान था, उसने नहीं पकड़ा। गुजरात ने फील्डिंग अच्छी की थी इन कंपेयर टू दिल्ली। तो यार पहले बैटिंग करने आई दिल्ली की टीम एक बार फिर से। आज ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी जो था और पृथ्वी शॉ ने ओपनिंग की, दोनों ने एकदम धमाकेदार ओपनिंग की। आज दिल्ली ने थोड़ा स्ट्रेटेजी चेंज की थी तो वो काम आई, क्योंकि पहले 3 ओवर में 36 रन बन चुके थे। लेकिन उसके बाद जो पृथ्वी शॉ का डिसमिसल था, वो मुझे पर्सनली ये लगा कि वो नॉट आउट था। अब पता नहीं इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद भी वो आउट दिया गया, क्योंकि उनको ये लगा कि जो राइट हैंड के फिंगर्स हैं वो अंडर द बॉल थे, बट मुझे नहीं लगा। मुझे क्लियरली ये था कि ये खिलाड़ी नॉट आउट था। तो यार पता नहीं वो किस तरीके से डिसीजन लिया गया, क्योंकि 2 या 3 बार वो चेक हुआ था, बट एट द एंड उसको आउट दिया था। ये देखो यहाँ से इस एंगल से ये एकदम क्लियर दिख रहा है कि बॉल जमीन पर लगी है, लेकिन जो दूसरा एंगल था वहां से ये लग रहा था कि यार बॉल जो ऐसे दिखा था, देखो इस तरीके से कि ये बॉल है तो बॉल के नीचे फिंगर्स हैं, बट जब आगे से था तो बॉल ऐसे दिख रही थी कि बॉल नीचे जमीन पर लगी हुई है। देखो एकदम क्लियर दिख रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये नॉट आउट देना चाहिए था, क्योंकि यार ऐसे में डाउट रहता है हर अंपायर को। वो ये नहीं कि उसको पूरा पता है कि आउट है कि नहीं है, तो वो आउट दे देता है। तो इसमें बहुत बड़ा योगदान जो ग्राउंड अंपायर का सिग्नल रहता है उसका भी रहता है। उसके बाद एक चेंज किया आज गुजरात ने, अक्षर पटेल को
ऑर्डर में उसके थोड़ा सा उलटफेर किया और उसको ऊपर भेजा, जो गुजरात के पल्ले एकदम नहीं पड़ा, क्योंकि गुजरात साई किशोर की प्लानिंग करके आई थी कि हम इसको बॉलिंग कराएंगे, बट गुजरात ने दिल्ली ने अक्षर पटेल को भेज के एकदम से पूरा मोमेंटम चेंज कर दिया, और अक्षर ने इस जो विश्वास था डगआउट में बैठे कोच का उस पर उभर के आया और काफी ताबड़तोड़ पारी खेली है। अगर वहां पर अक्षर पटेल विकेट गवा देता तो दिल्ली 200 मेरे हिसाब से नहीं बना पाती, क्योंकि तो अक्षर का टेलना वहां पर जमना का और टिकना काफी जरूरी था। तो यार बहुत अच्छी पारी खेली अक्षर पटेल ने, क्योंकि ना अभी तक इस आईपीएल में उसने बॉलिंग से तो परफॉर्मेंस की है, बट तुम एक ऑलराउंडर हो तो ऐसे ऑलराउंडर तुम्हें बॉलिंग भी करनी होगी, तो बॉलिंग तो की ही थी लेकिन बैटिंग में भी उसका परफॉर्मेंस अभी तक आना बाकी था, लेकिन आज काफी अच्छी पर बैटिंग की है अक्षर ने, और साथ में धमाकेदार स्पाइडरमैन पंत। भाई ये वाकई में स्पाइडरमैन है यार, एक बंदा जिसने 2 साल से क्रिकेट नहीं खेली है वो आते ही आईपीएल में इस तरीके की परफॉर्मेंस दे, तो वो अपने आप में काबिल तारीफ है। इसमें कोई डाउट नहीं कि अगर ऋषभ पंत का सिलेक्शन होगा क्या 100% डन है। तो जितने भी ये विकेट कीपर्स हैं जिनको 2 साल से मौके मिल रहे हैं और ये एकदम मजे में उन मौकों को उड़ाए जा रहे थे, तो तुम्हारे अब्बा जान आ चुके हैं भाई, हो अब अपना स्पोर्ट तुम भूल जाओ, क्योंकि ऋषभ पंत की आने की और एक या दो मैच में खेलने की ही देरी थी, बीसीसीआई इसी का वेट कर रहा था बस। बीसीसीआई पहले भी कंफर्म कर चुका था कि ऋषभ पंत को हम खिलाएंगे अगर वो 100% फिट है, तो भाई ये फिट ही नहीं है तो हिट है, जो खेच खेच के यार ये छक्के मारता है ना भाई, मजा आता है ऋषभ पंत को देख के। इसकी एक ही प्रॉब्लम है, वो आउटसाइड द ऑफ जो स्पिनर बॉल डालता है, नहीं तो ये हर तरीके से परफेक्ट है। ये तुम्हें मुश्किल हालात में रन बना के देता है, जहां तुम्हारे सारे बल्लेबाज फेल होते हैं वहां पर ऋषभ पंत खड़ा होता है हमेशा। आप आईसीसी के कोई भी इवेंट ले लीजिए जहां पर ऋषभ पंत खेला हो, इसने वहां पर 30-30 40-40 रन अकेले मारे, पूरी टीम कोई खड़ा नहीं रहा लेकिन अकेले खड़ा रहता है वहां पर, इसलिए खिलाड़ी थोड़ा सा विशेष है, खास है। तो यार इसको लेके तो जाएंगे ही जाएंगे, क्या खेलना ही इसने पूरे प्लेइंग 11 में। उसके बाद साई होप, यार दिल्ली वालों सुधर जाओ, साई होप को यार तुमने काय को रखा है सो टीम में, इसकी तो जगह नहीं बनती टीम 11 में। ये वो वाला खिलाड़ी नहीं है कि ये तुम्हें दिल्ली रन मार के देगा, ये चल गया तो चल गया वाली बात है किसी दिन, तो इसको भी मौका है बाहर निकाल दो। बाकी यार गुजरात ने आज मिस कैलकुलेशन की है बॉलिंग में, संदीप वॉरियर 5 की इकोनॉमी यार उसको बॉलिंग नहीं दी इन लोगों ने। भाई पूरे मैच में अगर तुमने साई किशोर को बॉलिंग नहीं दी है तो नहीं दी है यार, अब खिलाया तो बॉलिंग कराना जरूरी तो नहीं है अगर फिट नहीं बैठ रहा तो, क्योंकि देखो कई बार मैच सिचुएशन के अकॉर्डिंग खेलना होता है, ये नहीं कि जो तुमने प्री प्लान किया था वो तुमको अब एग्जीक्यूट करना ही करना है, कि यार साई किशोर को खिलाया है तो यार बॉलिंग नहीं देंगे तो क्या होगा, देनी पड़ेगी बॉलिंग। अरे मत तो यार, अगर सिचुएशन नहीं बन रही है तो 1900 ओवर को दे दिया, स्टाफ ने उसको खूब रन दे लिए, वही लास्ट में तुम्हारी हार का कारण बना है गुजरात का। तो यार ये चीज समझनी चाहिए, नया नया कप्तान है लेकिन जिस तरीके से आशीष ने रखा है इन्वॉल्वमेंट रहता है एट द बॉलिंग टाइम, तो ये कहने का ही मिसकैलकुलेशन था या प्री प्लान था पहले से कि ऐसा करना ही है। और लास्ट ओवर मोहित शर्मा 31 रन का ओवर, इस आईपीएल का सेकंड मोस्ट हाईएस्ट ओवर, एक्सपेंसिव ओवर, और आईपीएल के इतिहास का सबसे महंगा ओवर, इससे पहले बासिल थमसी का था 70 रन का। भाई मोहित शर्मा ऐसा बोल रहा है जिसने अभी तक इस आईपीएल में एवरेज रन खाए हैं हर मैच में, लेकिन ऋषभ पंत हर एक बॉल का जवाब था इसके पास यार, जहां उसने बॉल डाली वहां उसने मारा इसको, चाहे वो सिल्वर बॉल हो, जॉकर हो,
या बाउंसर हो, बताया है ऋषभ पंत ने कि हल्के में न लियो मेरे को, हल्के में मत लियो, मैं ये और विकेट कीपर की तरह नहीं हूं कि टीका भी हूं तो रन नहीं मारूंगा लास्ट तक। भाई ये लास्ट तक टीका है ना, ये किसके सामने कोई भी आ जाए, फिर कोई भी बॉलर, तुम बुमराह को ले आओ, बोल्ट को ले आओ, किसी को भी ले आओ, ये लप्पे मारता है खींच के, फिर ये तो एक हाथ वाला है वैसे भी। वर्ल्ड कप में ऐसी परफॉर्मेंस अगर दे दो तो यार मजा आ जाएगा भाई, मजा आ जाएगा। और आज का मैन ऑफ द मैच अकॉर्डिंग टू मी वैसे भी ऋषभ पंत ही था, क्योंकि 86 या 82 आई थिंक इतना उसने स्कोर किया था, 88 रन्स इन 43 बॉल्स, यार सुपर फास्ट स्पाइडरमैन, वाह व्हाट आई नहीं, मजा आ गया। और उसके बाद दो शानदार कैच, एक फास्ट बॉलर के सामने स्टंप के साथ लग के कैच पकड़ना, ये आसान काम नहीं होता, ये काम इसने पहले भी किया था, भुवनेश्वर कुमार के बॉल पर कैच पकड़ा था इंग्लैंड में। तो भाई विकेट कीपिंग का ऑप्शन इससे अच्छा नहीं है इंडिया के पास आज के टाइम पे। 2 साल बाकी जो विकेट कीपर थे भाई बहुत मजे कर लिए, बहुत टाइम मिल गया है, अब तुम्हारा वक्त आ चुका है। तो यार अच्छी बात थी, लेकिन जवाब में गुजरात टाइटंस ने भी बहुत अच्छी वापसी की, सुमन गिल के जल्दी आउट होने के बावजूद रिद्धिमान शाह और साई सुदर्शन, ये दीवार है इस टीम की, साई सुदर्शन ये ना हर मैच में परफॉर्मेंस देता है, चाहे ये स्लो खेले, आज तो बहुत अच्छी पारी खेली है, लेकिन पारी खेलने का एक सबसे बड़ा कारण दिल्ली की बेकार फील्डिंग, दो तीन कैच छोड़े एकदम आसान आसान से, उसके बाद रिद्धिमान शाह ये यार बूढ़ा आदमी कोशिश करता है ठीक है, ये एक ही काम करता है बस, ये केवल बॉल को टाइम करता है, स्टार्टिंग में बॉल पर लग गई तो ठीक है, नहीं तो जहां से ये, अब अगर ये पावर प्ले के बाद टिका हुआ है तो तुम यार इससे उम्मीद नहीं कर सकते कि ये तुम्हें रन मार के देगा एकदम 200 250 की स्ट्राइक रेट से। तो इसको यार मेरे अकॉर्डिंग तो अब यार बहुत हो गया है, दिमाग साके जाओ ना किसी नए खिलाड़ी को ले आओ ना, तुम्हें एक अलग एनर्जी देखने को मिलेगी उस खिलाड़ी के, क्योंकि देखो एमएस धोनी खेलता है ना, एमएस धोनी नंबर 6 7 8 पाता है, तो तब कोई अगर क्योंकि देखो ना एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, और दीवान साहब जैसे खिलाड़ी जो फिजिकली उतने फिट कहीं ना कहीं नहीं रहे अपने पूरे कैरियर में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अनफिट है, बट एक एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल वाला खिलाड़ी अलग होता है, तो वो अगर खिलाड़ी 40 साल तक खेल रहा है तो वो थोड़ा बहुत चल जाता है, बट एक ओपनर यार थोड़ा सा ना वो होना चाहिए एकदम ताबड़तोड़, क्योंकि सुमन गिल भाई ताबड़तोड़ बल्लेबाज नहीं है, उसकी तरह तुम रिद्धिमान शाह को ले आओगे जिसने अपने कैरियर में केवल टेस्ट मैच खेले हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो यार तुम एक फास्ट इनिंग की उम्मीद नहीं कर सकते हो। और आईपीएल जैसी लीग जहां सबसे घटिया वाहियात एक रूल चलता है सब्स्टिट्यूट प्लेयर का, इसने T20 क्रिकेट या क्रिकेट का मजाक बना के रख दिया यार, हर मैच में 200 रन बने, आईपीएल की 21 मतलब 12 मैचों में 200 से ज्यादा रन टारगेट सेटल हुआ है बोर्ड पर यार, वो दिन चले गए जब 130 140 पे जब डिफेंड हो जाते थे कभी कभी, वैसे 160 का स्कोर एक परफेक्ट स्कोर माना जाता था T20 में 8 की एवरेज के साथ, 200 250 224 आम बात है, क्यों, क्योंकि बैटिंग में डेप्थ है, मारो खुल के जिसको जितना मारना है,
एक खिलाड़ी और आ सकता है बाद में। इसके देखो क्या क्या नुकसान है। देखो पहली बात, या तो ये इंटरनेशनल लेवल पर आ जाए, अगर ये वहाँ आएगा तो टेस्ट की वैल्यू और डाउन हो जाएगी, साथ में अब वहां पर तो आना नहीं चाहिए, आईपीएल में है। तो आईपीएल में पता है क्या होता है, पहले खिलाड़ी होते थे जो बैटिंग के साथ बॉलिंग भी कर लेते थे, पार्ट टाइम बॉलर जिनको बोलते थे। भाई आईपीएल में ऑलराउंडर को बॉलिंग करने को नहीं मिल रहा है, क्यों? शिवम दुबे जिसको इंडिया वर्ल्ड कप खिलाने की सोच रहा है, उसे बॉलिंग का ऑप्शन नहीं मिलता, क्योंकि कई बार तो उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है ताकि एक प्रॉपर बॉलर को खिला सके। तो कहीं ना कहीं एक ऑलराउंडर की प्रतिभा, जो ऑलराउंडर बन चुके हैं यानी कि जो प्रॉपर बॉलिंग कराता है, उनको छोड़ के जो नए ऑलराउंडर आ सकते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी के तौर पर। और जो पार्ट टाइम बॉलर होते थे उनका तो खेल ही खत्म है, क्योंकि जब एक ऑलराउंडर को मौका नहीं मिल रहा है तो पार्ट टाइम का तो सवाल ही नहीं उठता। सचिन जैसे खिलाड़ी जो बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग करते थे, वो खिलाड़ी तुम्हें अब नहीं मिलेंगे, क्योंकि अब उस तरीके का टैलेंट अगर है भी तो उसे मौका नहीं मिलेगा। तो यार मेरे अकॉर्डिंग अगले साल से आईपीएल से ये रूल हट जाना चाहिए, बीसीसीआई को इस पर थोड़ा सोचना चाहिए। आप लोग की क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। तो यार आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बहुत अच्छा मैच था, वेल डन दिल्ली, तुम अभी भी कर सकते हो, अरे तुम्हारे पास बहुत मौके हैं, तो ऐसे खेलते रहो। और गुजरात गुजरात को थोड़ा सा अपनी रणनीति पर काम करना होगा, देखो नया कप्तान है तो थोड़ा टाइम लगेगा, अगर एक सीजन खराब जाता भी है तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन तुम्हें इंटेंट के साथ खेलना होगा। फिर आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ। और कल का जो मैच हैदराबाद वर्सेस आरसीबी, तो आरसीबी वाले तो अब केवल घूमने के लिए आएंगे ग्राउंड पर, तो इसकी बात तो कल ही करेंगे। आज के लिए इतना।